देखो यहाँ पर पेज नंबर 109 में कुछ चीजें दी हुई है, उसको यहाँ पे ध्यान दो। अगर मान लो हम किसी संख्या का दो बार कम लक्ष्य है गुण लक्ष्य कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझ में नहीं आएगा। यक्ष गुणे यक्ष करेंगे, कितनी बार गुणा हो रहा है, एक दो बार हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यक्ष की पावर टू। अगर पांच बार गुणा हो रहा है, वाई गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई, वाई की पावर, इसको पावर बोलते हैं या घात बोलते हैं, वाई की घाते पांच। जितने बार आप गुणा करेंगे उतना ऊपर ऊपर भी, जितनी बार जितनी बार हम किसी संख्या का आपस में गुणा करेंगे वही उसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। अगर इसका पांच बार, देखो एक दो तीन चार वाई की पावर फाइव, इसको थोड़ा सा बगल में नहीं लिखा जाता, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, सबको समझ में आया। चलो अब यहाँ देखो कुछ फार्मूला दिया गया है, अगर मान लो आपके पास में, और एक चीज और ध्यान रखना, यक्ष का गुणा यक्ष के साथ होता है और वाई का गुणा वाई के साथ, ठीक। अब एक सूत्र जो तीन दी है वो नोट कर लीजिए, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, अगर दोनों एक जैसे आधार, जब इसको है ना, अगर मान लीजिए कुछ लिखा जाता है जैसे ए की पावर एम लिखा, इस जो ये लिखा रहता है सूत्र बोलते हैं आधार, ध्यान से समझिए, मैंने पता नहीं चलेगा कि क्या बोलते हैं इसको, आधार और जो ऊपर लिखा जाता है छोटा सा क्या कहलाता है, भार, ठीक है, ये हो गया आधार, ये हो गया भार, ठीक। तो यहाँ पर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, पावर मतलब होता है घात, इंग्लिश में आप पावर भी बोल सकते हैं, हिंदी में भाग बोल सकते हैं। अगर एक जैसे आधार है, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये, भाते अलग अलग है तो उसकी भाते क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, भाते आपस में क्या होगी, जुड़ जाएंगी। अगर ए की पावर एम भागे ए की पावर एन दिया है, घाते खट जाएंगे, एक दोनों में आधार एक कैसा है, ए ए, तो एम माइनस एन, मतलब अगर भाग होता तो भाग ये हो गया। अब एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, लेकिन एम यहाँ पर बड़ा होना चाहिए एम से, ठीक है। अगर ए की पावर एन दिया है और उसका भी होल पावर एन दिया है तो उसकी भागों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, एम इंटू आ रहा है, ये फार्मूला है, याद होना चाहिए सबको, कल मैं पूछूंगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक फार्मूला और है, अगर किसी की भी पावर जीरो है तो उसका फार्मूला ये है, या ए की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आता है, एक आता है, सबको समझ में आया। yes, अगर ए की पावर जीरो है या एक्स की पावर जीरो है या वाई की पावर जीरो है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, ठीक। चलिए अब प्रश्नावली में आइए, बहुत ही आसान आसान से प्रश्न है, अभ्यास 5C में आइए, बुक में दिए हैं, इनको मैंने लिखवाया है ना, ये सारे बुक में दिए हैं, पेज नंबर 109 में देखिए, बॉक्स बना हुआ है, रेड कलर का बॉक्स है, उसमें दिए हुए हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब प्रश्नावली में आइए, 5C बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन है घातांकी रूप में लिखना है, सी गुणे सी गुणे डेस डेस, पांच बार, पांच बार का क्या मतलब हुआ, तो सी और ऊपर पांच, अब पांच बार हमने तो गुणा की तो लिया, अब इसको क्या लिखेंगे, सी की पावर फाइव, आसान है ना, यस, सबको समझ में आ रहा है, सभी ध्यान से समझ रहे हैं। चलिए ये आंसर हो गया, बहुत आसान था, पांच बार लिखा तो हमने इसको पांच बार गुणा किया, सी की पावर है, सी की पावर 5, क्या बोलेंगे इसको, सी की पावर 5। अब देखो बी सेकंड नंबर है, 5 × a × a × b × b × b, अब इसको कौन बताएगा क्या हो सकता है, मैम मतलब कितने, हाँ बताओ, 5a² बी क्यू, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो भाई इसके लिए, क्या नाम है तुम्हारा, साक्षी, हाँ वेरी गुड साक्षी, इसने बताया 5 अंक अंक के साथ गुणा होता है, तो 5 भी ए के बाद 5 का ए का गुणा ए से होगा, ए गुणे ए दिया, कितना कितने बार दिया, दो बार दिया, तो ए की पावर 2, और बी कितनी बार दिया, 1, 2, 3, बी की पावर 3, समझ में आया, आ गया ना आसान था। चलो अब एक सवाल और इसी का कर लो, बहुत आसान सा है,
भाई, सात गुणे सात गुणे सात दिया है, सात की पावर थ्री, थ्री आंसर है। चौथा दिया हुआ है टी गुणे टी गुणे वाई गुणे वाई, कौन बताएगा इसको? मैं वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। टी की पावर दो वाई की पावर दो, दो बार हुआ है, टी की पावर दो वाई की दो बार हुआ है, वाई की पावर दो। सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई? अब इसी का अपोजिट दिया हुआ है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, इसको क्या करना है? गुणा के रूप में आपको लिखना है। गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे आप? क्वेश्चन नंबर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई लिख सकता है इसको? हाँ, कौन लिख सकता है? मैं। चलो अभी ये पहले आएगी, फिर इसके बाद ठीक, और पीछे तुम भी लिख सकते हो, तुमको भी बुलाएंगे, जल्दी लिखो फटाफट आ जाओ। ए गुणे ए गुणे बी गुणे बी, सही लिख रही है? यस। कर दो भाई इसके लिए। चलो अब ये बताओ सेकंड नंबर है, आप ही लोग लिखना, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, ना क्या आ जाओ। चलो लिखो इसका तुम आना, नाइन ए बी थ्री, यहाँ पे कितने गुणे का निशान लगाओ, सही लिख रही है? Yes, चलो इसके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। चलो ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है? बहुत आसान आसान। Yes, मैं पढ़ाई थी। अभी थोड़ा कठिन है, टेन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, हाँ आओ आ जाओ। टेन एक्स थ्री वाई क्यूब, बहुत बच्चों में पढ़ाई इजी है। आने दिया, अरे देखो पढ़ने दो इसको, देखते क्या कर रही है। यहाँ से करो तब तो वहां तक पहुंचेगा। अंडू करो, अंडू यहाँ से अंडू कर दो, अंडू करो, अंडू करो यहाँ और करो, बस करो यहाँ से। क्या कर रही है? दो दो बार क्या कर रही है? एक्स को एक्स स्मॉल एक्स बनाओ ना, अंडू करो सर, अंडू करो, हाँ करो, अब करो जल्दी करो, देर नहीं करो, उतनी देर नहीं लगती। दस गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई, सभी बच्चे अपने रफ कर ले, हम सबको चेक कर रहे हैं, अभी आते हैं, ग्राउंड लगा रहे हैं, सभी बच्चे रफ करें। सही किया इसने? सही किया है? यस। सही है गलत? सही है। गलत है ना? नहीं सही है। सही है, चलो ये सब लोग बोल रहे हैं सही है, सही है, क्लैपिंग कर दो भाई इसके लिए। सही किया इसने। अब इसने क्या दिया है? दस को क्यों का क्यों रखा है, और यहाँ पे एक्स की पावर थ्री है, थ्री हमारे तीन क्योंकि लिखा है, तो तीन बार गुणा एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, फिर वाई की पावर थ्री है तो वाई गुणे वाई गुणे वाई, जेड की पावर थ्री है तो जेड गुणे जेड गुणे जेड। बहुत आसान है इसको, ठीक है? चलो इसके तो तीनों सवाल हम निकल लिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है घातांकी रूप में लिखना है, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ब्रैकेट्स एन बार, कौन लिखेगा इसको? मैं हाँ आ जाओ तुम, आओ। कितनी बार है? एन बार है, एन बार दूर से आना। पावर एन, एक क्या लिखी हो? एन पहले से एन बनाओ, लगे कि एन बना हुआ है, सही लिखा इसने? यस सही है, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? नैन्सी। के लिए भाई क्लैपिंग हो जाए। चलो आगे आइए, अब बहुत आसान से है बी वाला, आपका होमवर्क है। अच्छा सेकंड वाला भी कर लो, बी गुणे बी, जल्दी आ जाओ, जिसको तो बता रहे कौन करेगा? सही लिखी है? Yes, बिल्कुल सही है, क्योंकि बी का गुणा कितनी बार है यहाँ पर लिखा है? एन बार, एन बार है तो बी की पावर, ठीक है। क्या नाम है?
खत्म कर दो भाई, कैपिंग कर दो। तीसरा क्वेश्चन है, तीन घोड़े चार घोड़े, चार घोड़े एक, इसको कौन करेगा? आ जा बाद आए, यही लिखना, तीन वर्ष बाद आए बराबर ए टी क्यूब होगा, ठीक है।